इस वीडियो में मैं अपने Redmi Pad का वाईफाई टेस्ट करने वाला हूं। देखो, एक बात मैं पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूं, ना ही मैं ब्रॉडबैंड लगाया हूं और ना ही कोई मैं वाईफाई का यूज करता हूं। ये है हमारे पास Redmi Note 10 Pro फोन, ये है हमारे पास Redmi Pad। अब देखो, यहां पर बैकग्राउंड में सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि भाई यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे स्पीड टेस्ट केवल है और फिर इस यहाँ पर Redmi Pad में देखेंगे भी स्पीड टेस्ट है। अब यहाँ पर हम चलिए स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में भी ओपन कर लेते हैं और अपने यहाँ Redmi Pad में भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे एयरटेल के सिम से नेट चल रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, और जो वाईफाई हमारा कनेक्टेड है उसमें भी एयरटेल से चल रहा है, ये भी हमारा देख सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपने फ़ोन में टेस्ट करते हैं कि भाई हमारा फ़ोन में जो होता है ये एयरटेल के सिम लगाया हूँ तो मेरे यहाँ पर डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड कितना है वो हम यहाँ पर चेक करते हैं। फिर उसके बाद में हम अपने पैड में चेक करते हैं कि भाई कितना आता है। तो यहाँ पर देखो हमारा डाउनलोड स्पीड जो है 1.6 MB/s के आसपास जा रहा है। तो यहाँ पर देखो रिजल्ट हमारा निकल के चला आया, 1.61 MB/s हमारा स्पीड डाउनलोड है, डाउनलोड स्पीड है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि भाई हमारा अपलोड स्पीड कितना है। अपलोड स्पीड हमारा 0.80 MB/s पर जाएगा। तो यहाँ पर देखो पूरा रिजल्ट हमारा निकल चला आया, 1.61 MB/s हमारा डाउनलोड स्पीड है और अपलोड स्पीड जो है 0.91 MB/s है। तो अब देखते हैं कि भाई क्या यहाँ पर डिफरेंस आता है कि नहीं हमारे Redmi Pad में। तो यहाँ पर गो के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद में कनेक्ट हो रहा है। अब हमारा अपलोड और डाउनलोड स्पीड जो है दोनों चेक होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई सेम ही आएगा, नहीं तो हो सकता है इसमें थोड़ा ज़्यादा आया है तो इसमें थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ये भाई डायरेक्टली हमारा सिम से कनेक्टेड है, ये हमारा वाईफाई से कनेक्टेड है। लेकिन देखो भाई यहाँ पर मिरेकल हो गया। आप देखोगे आपके सामने ये रिजल्ट है, वही सिम से, मतलब मैं यहाँ पर नेट चला रहा हूँ तो इसमें 1.61 MB/s का डाउनलोड स्पीड आया है, और यहाँ पर देखोगे Redmi Pad में हमारा 2.96 MB/s का हमारा डाउनलोड स्पीड आया है। लेकिन यहाँ पर देखोगे अपलोड में, आप देखोगे 0.91 MB/s जो है हमारा अपलोड स्पीड है, लेकिन इसमें अपलोड स्पीड घट जाता है, 0.14 MB/s है। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको साफ साफ पता चल रहा है कि वाईफाई कनेक्ट करने पर भी हमारा जो है स्पीड अच्छा खासा देगा। अब चलो ये तो बात हो गई, हमने यहाँ पर टेस्ट कर लिया है, आपके सामने हमने टेस्ट किया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास YouTube एप्लीकेशन, यहाँ पर हम दोनों में ही YouTube एप्लीकेशन को एक ही साथ में मतलब कि ओपन करते हैं। चलो यहाँ पर देखो ओपन किए हैं, तो ओपन करने के बाद में देखेंगे सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हमारा ओपन जो हुआ है Redmi Pad में ओपन हुआ है और हमारा Redmi Note 10 Pro मोबाइल फ़ोन में नहीं ओपन हुआ है। यहाँ पर चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद में देखेंगे हमारा Redmi Pad में सबसे पहले ओपन हुआ है। अब उसके बाद में दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि अब कोई दूसरी एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। देखो अब यहाँ पर Google Chrome ब्राउजर को ओपन करेंगे, ये हमारा कुछ इस टाइप में ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम Amazon ही सर्च करते हैं, ये देखो Amazon है, देखते हैं कौन सबसे पहले ओपन करता है। चलो ये देखो हमारा Amazon यहाँ पर, भाई ये वाला Amazon हमारा ओपन हो गया, ये यहाँ पर चलो देखो यहाँ पर Amazon हमारा ओपन हो गया है। अब उसके बाद में हम स्क्रॉल करते हैं, भाई स्क्रॉल करने पर देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा ओपन है। ये वाला देखोगे हमारा सबसे ज़्यादा ओपन है यहाँ पर, जो कि कुछ इस टाइप में देख सकते हो। हमारा वाईफाई का स्पीड जो है अच्छा खासा पकड़ता है और अच्छा खासा चलता भी है और चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो सब कुछ रिजल्ट जो है आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा Redmi Pad तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो।